मैं 650 के आसपास से आपको वीडियो बना के बोल दिया था कि 400 बहुत जल्दी जाने वाला है। यहाँ तक कि मार्च लास्ट या अप्रैल 15 के अंदर आपको 400 का टारगेट देखने को मिलेगा, फिर 450 का भी टारगेट देखने को मिलेगा, फिर 500 रुपये का भी टारगेट देखने को मिलेगा। मई लास्ट तक आपका ये स्टॉक जो है आपको 500 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो 400 रुपये का टारगेट बताया हुआ था तो आज 402 पे चला गया था स्टॉक। मिड रेंज परफॉर्मर है एपीआई बिजनेस, एक्टिव फार्माक्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स ये सप्लाई करता है। तो ये कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, ये बहुत सारे कंपनी है वहाँ पर सप्लाई करता है। 2.1 मिलियन आपका अच्छा खासा वॉल्यूम बना चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक देख सकते हो कि 490, मतलब अभी भी अगर करंट मार्केट प्राइस में भी बाई करोगे तो 490 तक आपका अपसाइड जा सकता है। तो मतलब 490 एक आपका मेजर टारगेट हो सकता है कि आपका मई तक आपको टारगेट ये अचीव हो जाए। तो बाकी देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव है 12 और नेगेटिव है 11, मतलब 52% आपका अगर हाई रैंक पॉसिबिलिटी है तो 52% में आपका पास होगा चेकलिस्ट में। सबसे बड़ी बात है कि इस पर आपका देख सकते हो कि भी पैटर्न बना के ऊपर आ रहा है, तो एपीआई का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुका है, ग्लोबली एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा एपीआई हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका टारगेट भी बहुत बड़ा बड़ा निकल के आएगा। अगर फोरकास्टिंग का देखा जाए तो 3 एनालिसिस में से 2 स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल और बाई का सिग्नल जनरेट करके दिया है। बाकी आपको पता ही है कि इसका बिजनेस सेगमेंट बहुत तगड़ा बिजनेस सेगमेंट है। और बाकी जितने भी आपका फोरकास्टिंग का हम बताया क्यों ना बताए, एपीआई बिजनेस वन ऑफ द बेस्ट आपका बिजनेस सेगमेंट है। फोरकास्टिंग देख सकते हो कि फोरकास्टिंग के ऊपर क्या है, और ऊपर से टेक्निकल लेवल अगर देखा जाए तो टेक्निकल लेवल देख सकते हो आरती ड्रग्स का, टेक्निकल लेवल में 54 है और MFI 83, मतलब स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में MFI चला गया। तो अभी भी बाई कर सकते हो क्योंकि RSI अभी भी स्ट्रांग ओवरबॉट जोन में गया नहीं है, तो यहाँ से और ज़्यादा बुलिशनेस दिखाएगा क्योंकि RSI 50 के ऊपर है और MFI आपका 83 में है, तो यहाँ से और ज़्यादा बुलिशनेस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बाकी देखोगे तो देख सकते हो कि आज भी अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन में आपको टारगेट मेरा अचीव हो गया है। तो जो लोग मेरा वीडियो देख के प्रॉफिट बुक किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आप ही के चैनल है। एग्रेसिव टारगेट दिया जाता है शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। तो मेरे राय रहेगा कि अभी करंट मार्केट प्राइस में इसको बाई करना सही रहेगा कि नहीं, आप बाई कर सकते हो 450 का टारगेट को लेकर, ये बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। 420 का टारगेट तो बहुत जल्दी जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा क्योंकि आपका MFI जो है 83 में पहुंच गया, तो थोड़ा सा टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन में आएगा, ओवरबॉट जोन से फिर आपका फिर से बुल रन होगा और 500 का टारगेट बहुत जल्दी मई लास्ट तक अचीव हो जाएगा। अभी अगर देखो कि वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है परफॉर्मेंस, एंट्री पॉइंट गुड है और बहुत ज़्यादा भी गुड नहीं है, एंट्री पॉइंट ओवरबॉट जोन में है, MFI है, रेड फ्लैग नहीं है, लो है, और वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है और परफॉर्मेंस एवरेज है। लेकिन यही स्टॉक मल्टीबैगर बना था 2 साल पहले, आप सबको पता होगा कि इसमें स्प्लिट दिया था 33% एनालिसिस, अभी बाई के रिकमेंडेशन दे रहा है। और एक्टिव फार्माक्यूटिकल्स कंपनी जो है, एक्टिव फार्माक्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स जो ग्लोबली आपको बहुत सारा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, तो ये ग्लोबली एक्सपोर्ट करता रहता है। लो प्लस प्रोमोटर होल्डिंग है और सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम्स पार्ट्स, तो देख सकते हो कि 2 दिन पहले क्या क्या न्यूज़ निकल गया है, वॉल्यूम्स पार्ट्स आरती ड्रग काउंटर, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है आरती ड्रग्स में और वॉल्यूम जंप आरती ड्रग्स काउंटर, द हेड मार्केट्स, तो 10 थिंग्स दैट विल डिसाइड द लास्ट ट्रांजैक्शन ऑन ट्यूसडे, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है तो उसको भी हम कवर कर लेंगे कि कितना ज़्यादा काउंटर में कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम देख सकते हो 93.17 लाख शेयर्स का जो 14-14 में ISTNSE में आया हुआ था, तो वॉल्यूम 7 लाख के आसपास है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया आरती नॉच वॉल्यूम्स, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है आरती ड्रग्स में, मतलब कि कुछ आगे आने वाले प्रोजेक्ट अभी निकल के आने वाले हैं, तो पहले से ही जो लोगों को पता रहता है, प्रोमोटर्स को पता रहता है, तो कहीं पर भी ऑपरेटर को पता चल गया होगा, तो इसलिए स्टॉक भाग रहा है क्योंकि आने वाला टाइम पे और ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है, सेल्स और रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए ऑपरेटर पहले से ही स्टॉक को भगा लेता है कि जब इसका न्यूज़ आएगा तब इसको डाउन कर देगा। तो अभी आप बाई कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस में, 500 का टारगेट रहेगा और 420 के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा क्योंकि टेक्निकली लेवल थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में चला गया है आपका MFI, उसके बाद थोड़ा सा होल्डिंग के बाद मई लास्ट तक आपको 500 रुपये का टारगेट मिल जाएगा।
बाकी देखने को देख सकते हो कि 1984 का कंपनी है, आर्थिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्थिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंगेज्ड इन टू, 3,715 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखा जाए तो 20.7 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.3 है, और अच्छा खासा आपका एक अप मूव दिखा रहा है चार्ट में। अगर देखोगे तो अच्छा खासा आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, और आज ही के दिन 50 डेज DMA को क्रॉस किया है, तो और भी तेज़ी होना बाकी है स्टॉक में। 200 डेज DMA के ऊपर जा सकता है, और डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ के साथ CAGR 21% लास्ट 5 ईयर्स मेंटेन करके रखा है। मतलब 21% मतलब 1,00,000 लगाओगे तो 21,000 मतलब हर साल आएगा, 1,21,000, फिर 1,21,000 का भी 21%, तो ऐसे करके कंपाउंडिंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा है स्टॉक में। क्वार्टरली रिजल्ट में शानदार, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखो कितना शानदार रिजल्ट दिया है एक्सपेंस के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है, 37 दोनों क्वार्टर से मेंटेन करके रखा है, और सबसे बड़ी बात है कि डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट पे करने के बाद भी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट दिया है। सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 16% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 32% है, स्टॉक CAGR 3 ईयर्स में 46% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स में 26% का है। कैश फ्लो बिजनेस है, लियाबिलिटीज़ भी है स्टॉक के पास, टोटल लियाबिलिटीज़ आपका बढ़ चुका है, 2,035 करोड़ का हुआ है, कैश फ्लो के हिसाब से तो बहुत अच्छा खासा है, और डेप्थ थोड़ा कम हो गया, ये सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 59.77% अभी भी प्रोमोटर के पास है, और सबसे ज़्यादा बाई कर रहा है FII, DII और पब्लिक। पब्लिक से माल हटाया जा रहा है, और DII बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट, देख सकते हो कि जून सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में देखा जाए तो कितना ज़्यादा DII माल, देखो पब्लिक के माल खरीद रहा है DII। तो पब्लिक के पास 35.11 था सितंबर क्वार्टर में, वो दिसंबर क्वार्टर में 34.53 हो गया, और इतना कम पब्लिक से माल छीन कौन रहा है, FII छीन रहा है और DII छीन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि बिजनेस सेगमेंट इतना अच्छा है कि DII बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है स्टॉक को, और अभी देख सकते हो कि इसका बाइंग रिकमेंडेशन देखो, बाइंग रिकमेंडेशन अगर देखा जाए तो अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन है, ओवरव्यू में ले जाके भी आप देख सकते हो कि स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन आया है, और कौन कौन बाई कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड इंक्रीज किया है, और सबसे ज़्यादा गोविंद QRs QE परचेज ग्रेविटेशन रिसर्च कैपिटल LLP इसने बाई कर रहा है, बल्क में परचेस कर रहा है, QE सिक्योरिटीज़ बल्क में परचेस कर रहा है, तो थैंक्स।